दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि किस जोन का कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाएगा। मैं आपको बताऊं कि टॉप 5 डेंजर जोन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस जोन से फॉर्म फिल किया है और अगर आप लोगों के मार्क्स 60 से कम आ रहे हैं, तो अगर आप इस जोन के स्टूडेंट हैं, इस 5 टॉप 5 डेंजर जोन के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहा नहीं जा सकता कि आपका नाम पीईटी के लिए आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊं कि यहाँ पे ये जोन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड बन गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा अगर आप किसी भी जोन से रहते और अगर आप 50 प्लस नंबर ला रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में, तो मैं निश्चित तौर पे आपको ये बता देता हूँ कि 100% कोई भी ये कह सकता था कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल कहीं नहीं रुकने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जोन्स हैं जहाँ पे आप लोग की कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों को जिस चीज का इंतजार था वो चीज आपकी आ चुकी है और फाइनली आप लोगों को आरआरसी ग्रुप डी की तरफ से ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि आपका कट ऑफ जो है वो कितना, आपका रिजल्ट कब आने वाला है और रिजल्ट के अलावा आपकी पीईटी कब से होगी। ठीक है, सारी चीजें रेलवे की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। अब इंतजार करना इस बात का है कि जो 4-5 साल से टेक्निकल और अन्य सभी पोस्टों पर वैकेंसियां नहीं हुई है, इसके लिए कैलेंडर कब जारी होता है। ठीक है, मैं बात करूं दोस्तों अगर आपके डेंजर जोन की, तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि यहां पे सबसे पहले जो आरआरबी का जोन निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आप लोगों का इलाहाबाद निकल के आ रहा है। ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद का जोन आपका जो निकल के आ रहा है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए डेंजर जोन की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका 194 आप लोगों का पर सीट कंपटीशन बैठ रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं 194 पर सीट कंपटीशन बैठ रहा है वो तो ठीक बात है, लेकिन एवरेज स्कोर भी यहाँ के स्टूडेंट का ठीक ठाक है। मतलब कि आप देख सकते हैं अगर 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो वो 50-55 के ऊपर वाले ही स्टूडेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी कट ऑफ डाउन जाने की संभावनाएं कम है। अटेंडेंस का परसेंटेज, पर सीट कंपटीशन, सब कुछ यहाँ पे तगड़ा चल रहा है। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप लोगों का यही हाल रहने वाला है। अप्रोक्सीमेट दिल्ली में बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा थी और इस बार हमने अटेंडेंस में भी ठीक ठाक, मतलब बाकी सारे आरआरसी ग्रुप डी के जोन्स के कैटेगरी के अलावा अगर हम बात करें, तो जो दिल्ली में है इस बार परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, मतलब अन्य सभी जोन की तुलना में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 50 से 52% आप लोग का लगभग आप लोग के दिल्ली में अटेंडेंस परसेंटेज रहा है। और यहाँ पे इसी अटेंडेंस परसेंटेज और एवरेज मार्क्स को देखते हुए आप यहाँ पे पता करोगे कि यहाँ पे आपका 144 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, इसी के अलावा मैं बताऊँ तो बिहार के यहाँ पे हाजीपुर में भी सेम कंडीशन आपका रहने वाला है। तीसरे नंबर पे आपका है बिहार का हाजीपुर वाला सेक्शन, यहाँ पे भी आप लोग का कुछ ऐसा ही आप लोग का देखने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो 161 आप लोग का पर सीट कंपटीशन बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग का कई लोग कह रहे थे कि भाई ये बहुत दूर पर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, इसी के कारण आप देखो कि गुवाहाटी में आपके ठीक ठाक फॉर्म पड़ गए, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई यहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच सकते, नहीं जा पाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा फॉर्म पड़ा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी आपकी डेंजर जोन की कैटेगरी में आ गई। और इस तरीके से करते करते आप लोग का 122 आप लोग का पर सीट कंपटीशन बैठा आप लोगों का गुवाहाटी में। ठीक है, अब यहां पे बात करें हम सिकंदराबाद में, तो देखिए 2-3 बातें हैं सिकंदराबाद में आप लोग की। बात ये है दोस्तों कि सिकंदराबाद में आप लोगों की जो वैकेंसी थी ये एनटीपीसी में भी सबसे ज्यादा थी और ग्रुप डी में भी ठीक ठाक थी। तो अगर आप लोगों के ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि सिकंदराबाद में यहां पे ग्रुप डी के पीटी के लिए नहीं जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं सिकंदराबाद में भी अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे ये 101 आपका पर सीट कंपटीशन बैठ रहा है आरआरसी सिकंदराबाद में। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके टोटल 5 ऐसे डेंजर जोन है जहाँ पे आप लोग का कट ऑफ हाई रहने की 100% संभावना है। बाकी देखते हैं दोस्तों, फाइनल रिजल्ट की डेट तो आपकी मुकर्रर हो गई है, तो अब आपका रिजल्ट कब आता है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।